भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर हमें हल्दीराम वाला स्पॉन्सर कर रहे हैं तो, मतलब सोच रहे हो हल्दीराम स्पॉन्सर है। हाय नमस्ते वर्कर्स, जय कल जय चंद्र, इट्स मी जैन हियर और आप सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे लिए एक्चुअली अभी 10:30 कुछ हो गई है और मैं जस्ट उठा हूँ तो उठते से यार आपसे बात करना है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल रात को लेट एडिटिंग कर रहा था, रात को 2:30 बज गई सोने को, एडिटिंग करके अपलोड हो गया। आपने कल की वीडियो नहीं देखी होगी, मुझे पता है, देख लीजिएगा इस वीडियो को, नीचे दिख जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं उसकी। तो कल की वीडियो एडिट वगैरह करके अपलोड करी, वो रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में थी कि मैं सेल्फिक्स पर क्या नया कर रहा हूँ, ऐसा वैसा था सब उस पर। तो अभी उठे, वो किसी ने बोला है ना कि जब जागो तब सवेरा, तो इसके लिए गुड मॉर्निंग आपको। अभी मेरी आज की कुछ टू डू लिस्ट है, तो टू डू लिस्ट बताने से पहले जो टू डू वर्क है वो कर लेते हैं, मतलब कॉफ़ी चाय वाय ले लेते हैं, तो उसके बाद मैं आपको टू डू लिस्ट बताते हैं और आपसे बात करते हैं। हम मिले थे सुबह के 10:30 बजे और अभी हो रहे हैं शाम के 5। तो इतना मैंने क्या किया, कहाँ पे कैसे किया, आपको 2 मिनट बताता हूँ, सारी बात बताता हूँ। मैं उठा सुबह में आपको 10:30 बजे आपसे मैंने बात करी, फिर सोचा कि यार कुछ थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, तो मैंने कॉफ़ी वॉफी लिया, फिर बोर हो रहा था तो क्या करा जाए, तो सोचा दोस्तों को फ़ोन लगा देता, फिर दोस्तों को फ़ोन लगाया, वैसे ही 12 बज गई। फिर थोड़ा सा इधर उधर घूमते रहे पूरे घर में, मैं ना मतलब लॉकडाउन में वही करता हूँ, बोर हुआ कि घर में घूमने का, ये रूम से वो रूम से ये रूम, और मम्मी क्या सुना, मम्मी बोर हो रहा है, तो बस इतना चलता है मेरा पूरा दिन भर। तो फिर बस ऐसे करते करते 1 बजे मैंने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद सोचा कि यार नींद तो मैं तो फिर मैं सोता नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं, मगर वो कितना भी लेट सोऊँ कितना भी कम सोऊँ तो फिर मुझे नींद आती नहीं है। तो फिर थोड़ा सा CS:GO खेला मैंने आधा एक घंटा, वो 2 घंटे का हो गया, आधा घंटे का पता नहीं चला मुझे। फिर बस ऐसे ही बैठा था थोड़ा सा, तो YouTube स्क्रॉल कर रहा था, मैंने कहा चलो वीडियो बनानी है, बट उससे पहले देख लेते हैं YouTube पे क्या चल रहा है आज, कुछ नया टॉपिक, क्या नई चीज़ चल रही है। तो यार YouTube पे जाके ना एक चीज़ फील हुई, YouTube इज गेटिंग टॉक्सिक एंड टॉक्सिक डे बाय डे, मतलब YouTube बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। क्यों? तो यार उसके अंदर ना एक सबसे खराब चीज़ की आपको पता है, जो YouTube और TikTok वो हुआ ना, वो वहाँ तक हुआ था ना, वहाँ तक बिल्कुल सही था, मतलब वहाँ तक कुछ भी इशू नहीं था यार YouTube और TikTok वॉर में। बट जब बातें आगे बढ़ने लगी ना, अलग अलग क्रिएटर उसके बीच में कूदने लगे YouTube वर्सेस TikTok वॉर के बीच में, और जब कैरी भाई की वीडियो आई तो चीज़ें बदल गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, बहुत कुछ हुआ, वीडियो डिलीट हुई, सब मसला वसला चला। बट उसके बाद मुझे बताओ क्या हो गया, ये एक बंदा आया था TikTok नाम के ऐप से, मैं नाम नहीं लूँगा, कॉन्ट्रोवर्सी देखो बहुत ज़्यादा होती है पहले, कैरी भाई तो क्या है, वर्ल्ड फेमस बोल नहीं सकते, नाम ले ही सकते मतलब। तो वो आए, उन्होंने यूट्यूबर को रोस्ट किया, और आज ये बात आशीष भाई ने भी करी, उन्होंने यूट्यूबर को रोस्ट किया कि यूट्यूबर बहुत रोस्ट करते, चल एक रोस्ट करते हैं ठीक है, पॉइंटलेस बात थी, इसके लिए यूट्यूबर को और टॉपिक मिल गया एंड उन्होंने वापस रोस्ट कर दिया। फिर यूट्यूब वर्सेस TikTok चला, फिर कुछ यूट्यूबर्स आए और वो बोले तू की तेरी क्या औकात है यूट्यूबर को, फिर वो यूट्यूबर का ग्रुप दूसरे यूट्यूबर के ग्रुप को बोले तेरी क्या औकात है, वो यूट्यूबर इनको बोलने लगे तेरी क्या औकात है, इसके जो TikTok से बंदा था वो तो कब का गायब हो गया, और वैसे भी उसको जो चाहिए था उसको मिल गया। इंडिया में उसको पहले 2 लोग नहीं पहचानते थे, अभी 10 करोड़ के ऊपर तो लोगों ने पहचाना है, क्योंकि कैरी भाई के वीडियो पे तो लाइक्स एंड व्यूज उतने थे। तो देखो यार मतलब ये भाषण में वो तो उसका फायदा लेके गया, हर यूट्यूबर को अपना अपना फायदा हुआ, जो कंट्रोवर्सी में खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, आपने देखा है कितना लोगों का सब्सक्राइबर प्लस हुआ, सब्सक्राइबर काउंट कितना ग्रो किया सबको पता है। बट अभी जो यूट्यूब वर्सेस यूट्यूब इंटरनल वॉर हो गया, तो यार जो यूट्यूब का माहौल है ना इतना टॉक्सिक हो गया है, मतलब आप जब भी यूट्यूब स्टार्ट करो उसके अंदर जाओ कुछ भी देखो ना, तो बस एक वॉर चल रहा है, आपस में झगड़े चालू, ये ग्रुप वर्सेस वो ग्रुप हो गया है। और अभी देखो यार मैं ग्रुप्स कौन से हो क्या हुआ बताऊंगा नहीं है, कि आपको सब अच्छे से पता यार, आप लोग मतलब दिन में 10-10 वीडियो देख रहे हो इस टॉपिक पर। तो प्लीज़ मेरी व्यूअर की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये टॉपिक को ना अभी हाइप देना छोड़ो, जब तक आप लोग हाइप देना नहीं छोड़ोगे तब तक ये क्रिएटर्स बंद नहीं करेंगे क्रिएट करना। वैसे बहुत समझदार क्रिएटर्स हैं जिन्होंने छोड़ दिया ये मसले में घुसना, बट फिर भी उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो प्लीज़ अवॉइड कर दो इस टॉपिक को। और एक व्यूअर से भी एक अपील है मेरा कि जस्ट यार ये टॉपिक को भी छोड़ दो, अभी हमें ध्यान ही नहीं देना है क्या फाइट चालू और क्या पिटी फाइट चालू, क्योंकि बिकॉज दिस आर गेटिंग टॉक्सिक एंड टॉक्सिक डे बाय डे। आपको कॉन्ट्रोवर्सी करनी है ना यूट्यूबर्स, तो एक और एक टॉपिक देता हूँ मैं आपको, ह्यूमैनिटी वर्सेस पॉलिटिक्स करो यार, इस पर बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, करो बात इस पर, कर लो ना कंट्रोवर्सी क्रिएट, इसमें फायदा है यार, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे लोग इस तरह से मर रहे हैं ना सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स और कुछ ऐसी चीज़ें, यानी भाई बहुत अच्छी बात करते हैं इस पर। हाँ उनका लैंग्वेज थोड़ा हार्श है तो हर कोई सुन नहीं सकता है, बट फिर भी बोलूंगा यार प्लीज़ ये यूट्यूबर्स TikTok छोड़ो अभी,
टिकटॉक वर्सेस टिकटॉक, यूट्यूब वर्सेस यूट्यूब हो गया ये। मतलब टिकटॉक में एक इंटरनल उनका अंदर चालू है, बट जो यूट्यूब का चालू है बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे, कि यूट्यूबर उसको बोल रहा है, वो इसको बोल रहा है, सबका नुकसान हो रहा है और व्यूअर्स में टॉक्सिसिटी फैल रही। तो प्लीज 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 इस टॉपिक को छोड़ दो और अभी हम आज की बात करते हैं ना, आज का पूरा दिन दिखा दे आपको। ये इतने बड़े लंबे सारे लेक्चर के लिए सॉरी, बट एज ए व्यूअर प्लस कंटेंट क्रिएटर मुझे लगा कि यार मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, इसके लिए जस्ट आके बोलो। वैसे मेरे गांव में पूरा गांव सील हो गया, सील मतलब रोड रोड तक बंद हो गई है हमारे गांव में। आप इधर से उधर आ नहीं पा रहे हो, जा नहीं पा रहे हो, बिकॉज सारे रोड पे बैरिकेड्स लगा दिए और सब बंद कर दिया, जस्ट बिकॉज हमारे गांव में 4 दिन पहले 15 केसेस मिले एंड गांव इज टोटली सील। मतलब मेरा टाउनशिप पूरा बंद है। आपको एक मिनट दिखा दो क्या हाल है मेरे घर के आसपास का भी। जस्ट ये देखो, पता नहीं आप देख पा रहे हो, बट ये देखो पीछे से बैरिकेड्स लगे हुए हैं थोड़ा सा। ये दिखा बैरिकेड्स, दिखा 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 ये। तो ये सेम हाल हुआ पड़ा है हम लोगों का अभी। यार इतना देश में कुछ चालू है और आप लोग आपके पीटी फाइट में बिजी हो। तो यार इतना सब कुछ देश में चालू है और आप लोग आपकी पीटी फाइट में बिजी हो, प्लीज बंद कर दो। बिकॉज वी ऑल आर कम्युनिटी, साथ में रहो यार, साथ में चिल करते हैं। आप लोग बहुत बड़े बड़े क्रिएटर, आप लोग प्लीज अभी देखो यार, आई एम जस्ट स्मॉल गाय जिसने 40-45 वीडियो डाली है, तो मैं कोई इतना बड़ा बोलने वाला भी होता नहीं हूँ आप लोगों को, बट जस्ट एक एडवाइस दे रहा हूँ कि प्लीज छोड़ दो। आपके व्यूअर्स आपको बहुत प्यार करते हैं, सबको कोई भी हो आपको ही पता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ सम व्यूज यार इनटॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिसिटी है ना उसको फिर हम बंद कर दें। थोड़ा सा माहौल काम होने दो, अगर आपको चाहिए ना कुछ दूसरा कॉन्ट्रोवर्सी उठा लो, बट इंटरनल फाइट्स प्लीज छोड़ दो। तो चलो बहुत बात हो गई इस पर, इससे थोड़ा सा हटके बात करता है। एक्चुअली थोड़ी सी भूख लगी है फिर से, लॉकडाउन में बैठ गया ना पूरे दिन खाने खाने का सोचता है, एक्सरसाइज तो होता नहीं है वो देखो, और पूरे दिन खाने का सोचता है। मतलब ये देखो मेरा जो पुलअप बार है ना, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया रखा है, आपको दिख रहा है नहीं पता नहीं मुझे, बट हाँ ये वाला, तो जो मेरा पुलअप बार है ना वो मैंने कितने पिछले टाइम से यूज नहीं किया मुझे खुद भी पता नहीं है, बट गेटिंग बोर्ड हंग्री एंड इंडोलेंट, बट कोई नहीं चलो देखते हैं अभी कब तक खुलते हैं बैरिकेड्स, कब तक हम सिटी में इधर से उधर आ जा पाएंगे, क्योंकि हालत तो खराब हुआ पड़ा है। मतलब ऑलमोस्ट सेक्टर सेक्टर लॉक कर दी, ये सेक्टर हमारा अलग सेक्टर है, वो सिटी का वो सेक्टर अलग सेक्टर लॉक कर दिया है, तो इशू है, बट अभी कब तक सॉल्व होता है देखते हैं। तो हम कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, करना पड़ेगा भाई लोग। तो किचन की ओर बढ़ते हुए और लाइट शुरू करेंगे भाई लोग। वेयर इज माय सेव, इसमें क्या है यार, ओह चूड़ा। मैंने सेव खाना देखना मिल गया, वन ऑफ माई फेवरेट सेव। शाउट आउट टू हल्दीराम, स्पॉन्सर नहीं बे, मेरे को हल्दीराम स्पॉन्सर करेगा, अबे करना यार, कर ले स्पॉन्सर भाई, बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर हमें हल्दीराम वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मतलब सोच रहे हो हल्दीराम स्पॉन्सर है, हम दिखा ही सकते हैं वीडियो में। शाउट आउट टू हल्दीराम, अगर पसंद आए तो आप भी कर लेना, मेरा फेवरेट है। कौन सा है, आलू भुजिया। कुछ भी होगा किचन में आने का खाया ना, मोटा करो मोटा, कोई नहीं कर लेंगे हम वेट कम। रणवीर भैया को फॉलो करते हैं हम भी। यार सच में लॉकडाउन का ना अजीब असर हो गया, कुछ भी पूरे दिन खाने का पानी आने, तो पानी इतना ऑलरेडी पी रहे भाई। ये लॉकडाउन सच में बेकार चीज है, मतलब सोचा नहीं था इतना बोर हो जाएंगे और इतना दिमाग सड़ने लगेगा, बट आजकल फिलहाल बहुत ज्यादा दिमाग सड़ रहा है मेरा। अगर थोड़ा सा आगे से बाहर जाते हैं मेरे घर के शोली, आगे इसलिए आए क्योंकि आगे का माहौल भी बहुत अच्छा होता है।
मेरे पास टाइगर देखे हैं आपने? टाइगर इज माय टायर सर। एक दो लोग घूम रहे हैं बट कॉलोनी कॉलोनी में ज्यादा दूर तो निकल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। मेरे घर के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, मतलब ऑसम ग्राउंड, मजा आता है। अब देखते हैं कब तक खुलेगा, कब तक ऐसी जिंदगी चलेगी। यार मोदी जी बख्श दीजिए यार, हमें बाहर निकलने दो। अभी अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरा फाइनल ईयर हो गया और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। आपको दर्द नहीं पता है हमारा, गहरा वाला दर्द होता भाई, गहरा वाला। जस्ट ऐसे हम बाहर आए थे, माहौल देख रहा, देखो पूरी सड़कें खाली खाली खाली, ऑल एम्प्टी। चल रहा है ऐसे, बस क्या ही करेंगे। और आप बताइए आपका क्या हाल है? हाँ तो और एक मेन चीज़, मैंने सुबह से शाम एक इतने से काम नहीं करी और एक चीज़ चालू करी मैंने। मेरे को ना मेरे चैनल का थंबनेल या अपना आइकॉन बदलना था, तो उसके लिए मेरे को विक्टर इमेज बनाना था। तो मैंने एक बंदे को कांटेक्ट किया बट ही इज चार्जिंग अ लॉट, तो मैं और किसी से भी कांटेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर वो कम रेट में करके दे तो, नहीं तो मैं खुद बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। बट इट्स डिफिकल्ट टास्क, थोड़ा सा इलस्ट्रेटर में बनाना पड़ता है। फोटोशॉप आपने कभी यूज़ किया तो आपको पता है कि फोटोशॉप कितना हार्ड है, तो उसे और भी हार्ड बोल लो तो इलस्ट्रेटर है। तो बस वैसी वाली चीज़ है भाई लोग, तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे करेंगे हम। बट इट्स गेटिंग तो टफ वाला वर्क, मतलब जो मेरे को वेक्टर इमेज क्या होती है बताओ कि आपको, ये आपका फोटो और ये कार्टूनिस्टिक फॉर्म ऑफ यू, तो उसको बोलते हैं वेक्टर इमेज। तो वैसा मेरे को जो कैरी बैग, आपने चैनल आर्ट देखा, चैनल लोगो, बस सेम 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 वेक्टर इमेज बनवा के लगानी है। तो अभी देखते हैं, अगर मुझे किसी और से बनवा के लेनी होगी तो हम वो कर लेंगे, तो कब तक बना के देंगे। बाकी सब ठीक है, और आप बताइए क्या चल रहा है यार? आप लोग पबजी खेलते हो क्या? मैं खेलता हूँ बहुत पबजी, बट आपको और एक बच्चा देखा तो जो बहुत ज्यादा पबजी खेलता है। मिलो मैं आपको उस बच्चा से, पबजी पबजी वाला बच्चा, देख रहा पबजी पैसा वसूल कर रहा है वो XT का पबजी खेल खेल के। रो लाइट चालू करके दिखाते हैं आपको, गौर से देखो इस बच्चे को, अब ये कुछ तो बोलेगा। बोल रहे कौन सी गन है तेरे पास? दौड़ती है ऐसा वाला सीन है। दिन में 4-5 घंटे पबजी खेलने का, फिर 4-5 घंटे फिर से पबजी खेलने का। नहीं नहीं कुछ और नहीं, अब भी 10th हुआ है बेचारे का और सब लॉकडाउन लग गया तो उसका टाइम खराब चल रहा है, मतलब घर में बैठा है वो भी बहुत बोर हो रहा है। इन दोनों भाई वी आर लुक क्वाइट सिमिलर। हाँ मीन्स नहीं है, वो 3 साल छोटा है मेरे से बट बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं। क्या करें, वो अच्छी बात, फ़ोन का फेस लॉक खुल जाता है। हाँ लिटरली आपका अभी कैमरा में देख के अगर नहीं पता चला होगा तो बता दो, फ़ोन का फेस लॉक किसका भी चेहरा लगा दो खुल जाता है एक दूसरे के, इतनी सिमिलरिटी फिर उसमें। अभी मैं चैनल पे जाके देखा यार, मतलब स्टूडियो में, तो मैंने नोटिस किया कि पिछले बहुत सारे वीडियो से मैंने मेरी कस्टम थंबनेल नहीं लगाई है। तो अभी सोचा कि जाता हूँ सबकी थंबनेल बनाता और लगाता हूँ, और ये देखो चलो वही काम चालू है। देखो कितनी पुरानी वीडियो से थंबनेल बना रहा हूँ, तो अभी सबके थंबनेल बना के हम लगा देंगे। और मम्मी पोहे बना रही है मेरे लिए, तो मतलब पब्लिक डिमांड तो पोहे बन रहे, फिर ये काम करेंगे फिर पोहे खाएंगे फिर आगे क्या करते बताता हूँ। हाँ तो मेरा डिनर विनर हो गया है, मतलब पोहे का बस आज लाइट ही खाना था, इतना ज़्यादा खाने की भूख भी नहीं थी मेरे को। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बहुत सारे ज्ञान वैन दे दिया। अभी वीडियो एडिट करेंगे, इसको अपलोड करेंगे, शायद 12-1 बजे तक अपलोड हो जाए एडिट होके। चलिए मिल से क्या होता है, मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यार आज ना आसमान बड़ा खूबसूरत दिख रहा है यार, देखो ना कितने सही क्लाउड्स है। इसके लिए मुझे यहाँ पे ऊपर आके शूट करना पसंद है, बहुत सही एटमोसफियर होता है। और नो मतलब अभी तो इतना कचपच भी नहीं, बाहर आवाज़ भी नहीं, शोर शराबा नहीं है, पोजीशन नहीं है, तो जिंदगी मजे ले रहे हैं। और हमने और एक चीज़ उठाई ज्ञानी भाई के चैनल से, हम हर वीडियो के आखिर में एक कोट बोलेंगे, जो ज्ञानी भाई बोलते हैं आज का ज्ञान, तो सेम हम बताएंगे आज का ज्ञान। तो इस वीडियो शुरू कर दें। ओके आज का ज्ञान कि आपके थॉट्स वो सही गलत आपको उस वक्त पे लगते हैं, बट एक वक्त बाद में कभी कभी चीज़ें बदलती है, तो उसको लेके रिजिड ना हो जाए। अगर आपको लगे कि मेरे थॉट बदल रहा है, मुझे ये चीज़ लग रही है कि मैं पहले ऐसे सोचता था बट वैसे नहीं है, इट शुड बी चेंज, तो उसे बदल ले और एक्सेप्ट कर ले।